हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जाएंगे चांदनी चौक। अभी अभी मैं पुरानी दिल्ली पे हूँ, यहाँ का ये रेलवे स्टेशन है। आज हम जाएंगे चांदनी चौक, वहाँ घूमते हैं। और आज हो सके तो हम शायद रेड फोर्ट पे भी जाएंगे, लाल किला, वो दिखाता हूँ मैं। सो फाइनली मैं आ गया हूँ लाल किले पर। और ये कोविड के वजह से आज बंद है, मैं आज तक यहाँ पर गया नहीं हूँ, बट सोचा था आज जाऊँगा, बट आज भी ये बंद है। अच्छा है, बट मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिए। देखता हूँ मैम, अभी यहाँ से जाऊँगा चांदनी चौक। चांदनी चौक पे देखते हैं कुछ। तो मैं अभी आ गया हूँ चांदनी चौक में, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे ये मंदिर है, इसका नाम है तिंगदिगंबर जैन मंदिर, कुछ ऐसे ही है। मैं आपको मंदिर का दिखाता हूँ आगे, देखिए मंदिर, इसका नाम तिगंबर जैन मंदिर है। तो यहाँ की ये मार्केट है। और अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा, वेदर देखिए, बारिश होने वाली है। बारिश हो ही रही है वैसे, क्या होने वाली है। और अभी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। ये वॉच की मार्केट है, यहाँ अंदर भी जा सकते हैं। और चलो, मुझे भी भूख लगी है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कुछ खाने के लिए। गाइस, मैं आ गया हूँ चांदनी चौक मार्केट के अंदर, और अब यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छतरी लिया, अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश तेज हो रही है अभी यहाँ पे। तो देखिए, ये यहाँ की मार्केट, आज यहाँ पे भीड़ है, बारिश है, बट तब भी लोग, क्योंकि शादियों का सीजन आने वाला लोगों की, तो इसलिए लोग शॉपिंग करने आते हैं यहाँ पे। आप ये देखिए, यहाँ पे लहंगे मिलते हैं। वैसे हम लहंगे वाले तो नहीं है, बट ले सकते हैं। यहाँ पे भी लहंगे, महंगे महंगे लहंगे हैं। यहाँ पे बच्चों की मार्केट है, हम बच्चों के कपड़े ले सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पे बैग ले सकते हैं, वैसे मेरे पास अभी बैग है, बट मैं अभी मुंबई जाने वाला हूँ, उससे पहले मैं बैग ले लूँगा। अभी तो मेरे पास बैग है। और यहाँ लेडीज़ के जूते, स्लीपर और सैंडल्स मिल रही हैं आपके ऊपर। आप अगर आपको मन करता तो ले सकते हैं आप, यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। अगर आप रेट भी कम करवा सकते हैं, थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं अदर मार्केट से। इधर देखिए, इधर बिल्कुल ही खाली है, इस साइड में ही है सारी मार्केट। इधर भी है, बट इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है, इधर छोटी मार्केट है। इधर कपड़ों की मार्केट इसी साइड में है। यहाँ पे भी देखिए लहंगे, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से लोग शादियों पर किए जा रहे हैं। जब भी देखिए, एक एक दिन में कितनी शादियाँ होती हैं, इसलिए हर जगह लहंगे की शॉप, लोग सब लोग लहंगे बेच रहे हैं। ये देखिए यहाँ का वेदर, और ये है गुरुद्वारे, देखिए यहाँ का वेदर कितनी बारिश हो। इस वजह से मुझे अम्ब्रेला लेना पड़ा, मजबूरी है, ये तो मैं वैसे ही ला जाता। देखिए गुरुद्वारा, भाई यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। अभी मैं थोड़ा रुक गया था क्योंकि बारिश तेज हो गई थी, और अभी फिर मैं अंदर कपड़ों की मार्केट में जा रहा हूँ। कपड़े थोड़ा अभी मिल नहीं रही मुझे, बट इधर ही है देखिए। अभी मैं गुरुद्वारे के सामने ही था, तो मैंने सोचा अंदर जाऊँ, बट अभी यहाँ पे जूते निकालने हैं, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी क्योंकि शाम हो रही है, इसलिए मैं घर ही जाता हूँ। अभी थोड़े मार्केट घूम के फिर मैं घर ही निकलना है, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी। फिर शाम के टाइम पे लोग ऑफिस वाले घर जाते हैं, तो ट्रैफिक होती है, इस वजह से मैं जल्दी निकलता हूँ यहाँ से गुरुद्वारे में। फिर से यहाँ पे अभी मम्मी के साथ आना है मुझे, क्योंकि मम्मी के साथ कुछ लेना था। मम्मी बोल रही थी कि चलेंगे चांदनी चौक, बट मैं अभी इधर आया था, मैं अकेले भी फ्रेंड के साथ आ गया। चलिए गाइस, अभी शायद यहाँ आ गए मार्केट, बहुत ही दूर है, बड़ी मार्केट है चांदनी चौक की मार्केट। आप यहाँ पे कभी कभी भी आ सकते हैं किसी टाइम पे। चांदनी चौक मार्केट वैसे हमेशा ही खुली रहती है, आप
कभी भी आ सकते हैं। संडे सैटरडे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बंद रहती है। बस देखिए ये मार्केट रात में, ये यहाँ पे रात में कुछ ज़्यादा लाइटिंग आती है तो उस टाइम पे अच्छा लगता है। रात में आए या फिर आप किसी टाइम शाम के टाइम पे आ जाएं। देखिए पूरी बड़ी मार्केट है ये, चांदनी चौक की मार्केट। और लाल किला तो मैं जाने वाला था, लाल किला भी आज बंद है। जैसे मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में मैं गया था सीपी, तो मैं पार्क के अंदर जाने वाला था, उस दिन पार्क बंद था, और आ जाया हूँ यहाँ पे तो लाल किला ही बंद है। देखिए ये चांदनी चौक की मार्केट, और यहाँ का वेदर देखिए आप। दिल्ली जो भी देती दिल खोल के देती है। अभी यहाँ पे इतना सही मौसम हो रहा, आप आ सकते हैं घूमने। पर थोड़ी बारिश हो रही है और थोड़ी हवा भी चल रही है, तो थोड़ी हल्की हल्की ठंड है, बट तभी वेदर सही है। देखिए ये यहाँ की मार्केट, ये सारी मार्केट भी हैं। ये देखिए इससे आपको पता चल सकता है कि हवा चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही बट चल रही है हवा। और ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा, कुछ तो है ये। ये देखिए पूरी मार्केट है यहाँ अंदर, क्या है ये चांदनी चौक का सेंटर है। ये देखिए ओहो गाइस, ये देखिए ये कौन से बाबा हैं, चांदनी चौक का सेंटर। चलते हैं अभी हम अंदर। दिल्ली पुलिस, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए क्लॉथ मार्केट है, यहाँ कपड़े चद्दर लहंगा कुछ भी ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए यहाँ पे अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे देखिए बाइक की वजह से बुक्स में इन्होंने पन्नी लगा रखी है। यहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे, अगर आपको पैंट शर्ट सिलवानी है तो उसके लिए, या आपको जैकेट या कोट कुछ भी सिलवाना है, यहाँ पे अच्छे आपको कपड़े मिल सकते हैं। और ये देखिए लहंगे की मार्केट, यहाँ देखिए लहंगा। देखिए पूरी मार्केट ही है। इधर अंदर ज़्यादातर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बस यही लहंगे की मार्केट और साड़ियों की मार्केट, चादर की मार्केट, बुक्स की शॉप। तो अभी मैं बाहर निकलता हूँ। तो गाइस ये है दुख की चाट, और ये एक प्लेट हाफ प्लेट 50 की है, देखता हूँ इसे खा के कैसा है। ये देखिए दौलत की चाट। अंकल इसका नाम दौलत की चाट क्यों है? दौलत वाले खाते हैं ना। अच्छा, इसको दौलत वाले ही खाते हैं। मैंने ये पैक करवाया मम्मी के लिए, दौलत की चाट। नाम में इसमें रही थी झलक रही है, दौलत की चाट। ये देखिए ये देखिए, बारिश है तो इसलिए मैं भुट्टा ले रहा हूँ, क्योंकि बारिश में भुट्टा खाने का मजा ही अलग होता है। ये देखिए ये गिलास में देंगे अभी, जैसे खड़ा हाथ में खाने में सही नहीं लगा, इसलिए मैं गिलास में ले रहा हूँ।
अभी मैंने भुट्टा खा लिया है और मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ। मैंने वहाँ से निकाल दिया अभी क्योंकि वो खा रहा था, और अभी पता है पुलिस वाले आ गए थे, फिर वो तो मैं खा रहा था इसलिए मैं बच गया, नहीं तो अभी फाइन देनी पड़ती मुझे। और मेरा कॉन्फिडेंट लेवल पहले से अच्छा है कि मेरे फर्स्ट ब्लॉग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे और लोग देख रहे थे तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। तो मैंने अभी फिर से मास्क पहन लिया और मैं आगे जा रहा हूँ। देखो अभी अंकल जा रहे हैं आगे से, ये मुझे देखते जा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। और देखिए अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत घूम लिया और मैंने मास्क लिया और एक ये कड़ा लिया मैंने पहन। अभी मैं बाहर ही जा रहा हूँ बट दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से बाहर लग शाम के टाइम पे यहाँ चांदनी चौक कैसा लगता है। वह दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली की बात ही अलग है, यहाँ पर हर जगह अच्छा लगेगा, यहाँ की सारी जगह पे अच्छी अच्छी चीज़ें, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े सही मिल जाते हैं। ये देखिए शाम का व्यू, अभी थोड़ी रात भी हो रही है और यहाँ देखिए ये है चांदनी चौक, और भी थोड़ी और रात होगी तो यहाँ पर और अच्छा लगेगा, और बारिश हुई है इस वजह से थोड़ा मौसम और अच्छा लग रहा है। देखिए बारिश, अभी तो थोड़ी बारिश बंद हो गई है बट अभी हो रही थी। ये है चांदनी चौक, यह पूरी रोड ये सीधी है, आप यहाँ से सीधे चले जाइए आपको लाल किले पे पहुँच जाएंगे, बिल्कुल सीधा इसके चांदनी चौक के जस्ट सामने ही आपको लाल किला मिल जाएगा। वैसे आप कहीं भी चले जाइए किसी भी मार्केट में, ज़्यादातर गर्ल्स के या लेडीज़ के सामान ज़्यादातर मिलेंगे, और लड़कों के लिए ज़्यादा नहीं, बस वही नॉर्मल से जीन्स शर्ट और पैंटी मिलती है। आप यहाँ पे देखिए आपको भी ज़्यादातर यहाँ पे मेरे ब्लॉग में भी आपको ज़्यादातर लड़कियों के सामान या उनकी दुकानें देखेंगे साड़ी के लहंगे के, हम लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये देखिए ये आगे, ये देखिए पूरी मार्केट है, क्या है ये है गुरुद्वारा आगे देखिए। देखिए आपको आगे सामने लाल किला दिख रहा है गाइस, ये देखिए ये लाइट की शॉप है, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी लाइटें हैं, और ये देखिए ये शॉप, और यहाँ पे ये वो मंदिर जस्ट इसके सामने है लाल किला, वो देखिए आप देख सकते हैं जस्ट सामने ही लाल किला, और ये देखिए SBI। मैं चांदनी चौक से बाहर निकल रहा हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।